फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में अगर आमी का आम पन्ना ना पिया तो कुछ भी नहीं पिया, वो गर्मी अधूरी सी लगती है। तो आज मैं आम पन्ना इस तरीके से लेकर आई हूँ कि वो 5 मिनट में बन जाएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया सबसे पहले जार, तो जार के अंदर डाल देंगे हम आमी। आमी की मैंने छोटे छोटे इस तरीके से पीस कर लिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से पन्ना बताने वाली हूँ कि इसको ना उबालना है ना कुछ करना है और इसको बहुत ही जल्दी आप बना लेंगे। फिर उसके बाद हम डाल देंगे ये पुदीने के पत्ते। फिर उसके बाद हम डाल देंगे जीरा। तो जीरा ये मैंने 1 चम्मच लिया है, इसको हम थोड़ा सा हाथों पे क्रश कर लेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे फिर उसके बाद डाल देंगे हम काला नमक। तो ये मैंने 1/4 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने व्हाइट वाला नमक लिया है और 1/3 चम्मच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसके बाद डाल देंगे तो चीनी। तो चीनी ये मैंने 4 चम्मच ली है, तो थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर सारी चीनी हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि जिससे ये सारा सामान हमारा आसानी से पिस जाए। तो ज़्यादा नहीं डालना है अभी, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी यानी पीस लूँगी। तो इसको मैंने पीस लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल इसको बारीक पीस लेना है। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर छान लूँगी। तो ये मैंने एक खाली बाउल ले लिया है, तो उसके अंदर हम आइस क्यूब डाल देंगे पहले से। फिर उसके ऊपर हम रखेंगे चलनी और ये जो हमारा पीसा हुआ मिश्रण है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है, आप देख सकते हैं ये मोटा मोटा बचा हुआ है। तो इसके अंदर हम पानी और डाल लेंगे, यानी जितना आपको पानी चाहिए आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितना पतला या गाढ़ा चाहिए। और फिर एक बार इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे कि जो भी इसका पल्प जो बचा हुआ है वो सारा हमारा निकल जाए। तो इसको मैंने छान लिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और मिनटों में हमारा आम पन्ना बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये पीने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हमारे पेट के लिए और हमें ये लू से बचाता है, यानी पेट में हमारे ठंडक रखता है और ये हमें लू से बचाता है। तो अब मैं करूँगी इसको ट्रांसफ़र। तो हमारा पन्ना बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें इस तरीके से मैं थोड़ा से ये पुदीने के पत्ते रख दूंगी कि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे और पीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरे आम पन्ने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।